आप मेरी फोटोज के वजह से गए थे ना। सब मेरी वजह से हुआ। अब मैं आपकी फोटोज कभी नहीं खींचूंगी और मैं जर्नलिस्ट भी नहीं बनूंगी। क्यों नहीं बनना आपको जर्नलिस्ट? इतनी सी चोट से डर गया आपने तो इतना हिम्मत का काम किया है मरियम। जो फाइल हम लोग नहीं ढूंढ पाए वो आपने चुटकी में ढूंढ निकाली। बहुत बड़ा काम किया है आपने। आप तो अपने अब्बू से भी ज्यादा अच्छी जर्नलिस्ट बनेगी। नहीं अब्बू, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप हमेशा मेरे साथ रहना, मुझे छोड़ के कभी मत जाना। नहीं बेटा, आपके अब्बू आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, हमेशा आपके साथ ही रहेंगे। प्रॉमिस। उन लोगों ने अपने झूठ को छिपाने के लिए तुझ पे हमला तक करवा दिया। अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। अब कोई ना कोई एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। दिस इज नॉट डन। हमें उनके खिलाफ केस फाइल करना ही चाहिए। अब्बू ये लोग ऐसे नहीं मानने वाले। दिस इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। मुझे किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना। अब्बू आखिर है तो अपनी ही। अम्मी आप एक्सक्यूज मी, हाउ आर यू डूइंग? आई एम फीलिंग मच बेटर, थैंक यू। थैंक यू। सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है अल्हम्दुलिल्लाह, पर कुछ दिन इन्हें ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, फिर आप लोग इन्हें घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर अंकल, अब्बू ईद तक ठीक हो जाएंगे? हाँ क्यों नहीं, अगर आप भी अपने अब्बू का अच्छी तरह ख्याल रखेंगे तो वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। मजाज, तुम तो बिस्तर पे आ गए, अब मदिया का ख्याल कौन रखेगा? मजाज तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना मदिया का ख्याल रखने के लिए। अरे मरियम, गेम मत खेल प्लीज, इनको बोलो मुझे टक्कर आ रहे। प्लीज इनको बोलो मुझे टक्कर आ रहे। पता है ना ऊपर से क्या ऑर्डर्स आए, अब हम और देर नहीं कर सकते, इसलिए हमें आज के आज ही सारा काम तमाम करना होगा। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आज ही रात सारा काम हो जाएगा। बेसमेंट में भी सारी तैयारी हो चुकी है। आज रात किसी का काम तमाम होने वाला है, लेकिन किसका मुझे पता लगाना चाहिए। लेकिन मैं तो जर्नलिस्ट नहीं हूँ ना, तो पता कौन लगाएगा? अगर आपके पास भी है कोई सनसनीखेज खुलासा या सनसनीखेज खबर तो उठाइए अपना फोन और कॉल लगाइए हमें इस नंबर पर। हम दाखिल हो चुके हैं उस हॉस्पिटल में जहां पर किसी का काम तमाम करने की गहरी साजिश की जा रही है। जी हां, खुफिया सूत्रों से पता चला है कि यहां पर मर्डर का प्लान बनाया जा रहा है। या अल्लाह, ये तो यही हॉस्पिटल है। मजाज कहीं वो गुंडे फिर से तो यहाँ। आप खामखा परेशान हो रही हैं। हॉस्पिटल में होने वाले मर्डर के प्लान का खुलासा किया है एक छोटी सी रिपोर्टर मरियम खान ने। मरियम,
डन्नी रिपोर्टर मरियम का कहना है कि मर्डर करने के सारे हथियार उस बेसमेंट में छुपा कर रखे गए हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं जर्नलिज्म के इतिहास में पहली बार जुर्म की लाइव लोकेशन पर, वो भी जुर्म होने से पहले। और ये देखिए, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? हथियार कहाँ है? यही होंगे, मैंने सुना था ये लोग बोल रहे थे आज रात कुछ काम तमाम करेंगे। बताओ क्या काम तमाम करने वाले हो तुम लोग? अच्छा अच्छा, कॉकरोचेस का लौटेंगे कुछ ही देर में। क्या करूंगी इस लड़की का मैं? ये खुलासा किया तुमने, टाइम वेस्ट कर दिया मेरा। मैंने सोचा था कुछ स्कूप मिलेगा। स्कूप? आइसक्रीम वाला स्कूप? अंकल वो तो आपको कैंटीन में मिलेगा ना। आइसक्रीम? आइसक्रीम वाला नहीं, जर्नलिज्म वाला स्कूप। एक मिनट, अगर यहाँ कॉकरोचेस हैं तो कैंटीन में भी होंगे। चलो कैंटीन। थैंक यू। अब्बू, अब्बू। मैंने आपसे कहा था ना कि आप शैतानी नहीं करेंगी। फिर अब्बू ये स्कूप क्या होता है? बेटा स्कूप एक ऐसी न्यूज होती है जो जर्नलिस्ट की जिंदगी बदल के रख देती है। जब आप कोई स्कूप कवर करेंगे ना तो लोग आपको आपके स्कूप से पहचानेंगे, कहेंगे वो देखो मरियम खान जिसने वो स्कूप कवर किया था। पर मैं स्कूप ढूंढूंगी कैसे? कभी कभी स्कूप ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, स्कूप खुद ही आपके पास आ जाता है जब आप जर्नलिस्ट बनेंगी ना। अब्बू अगर मैं जर्नलिस्ट नहीं बनूं तो आप नाराज तो नहीं होंगे ना? बिल्कुल भी नहीं बेटा, आपको जो बनना है आप बनिए। आपके अब्बू ने आपको पूरी छूट दे रखी है और आपके अब्बू को यकीन है कि आप जो भी बनेंगी ना आपके अब्बू को आप पर फख्र होगा। आप एक दिन अपने अब्बू का नाम रोशन करेंगी। मेरे प्यारे अब्बू। आप लोग इन्हें घर ले जा सकते हैं। बच्चे नजर नहीं आ रहे हैं। अब्बू!